Morning everyone, welcome to online classes. Now students, today I am going to solve exercise 7.2 word problem. Students, 7.2 exercise है ना? मेरा first question क्या है? The sum of two numbers is 24. मतलब कोई भी दो number का sum दिया हुआ है, जो क्या है मेरा 24. अब one number is twice the other number, ठीक है? एक number जो भी है, उसका twice है second number. Find the नंबर्स, तो हमको नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या मान लिया, एक्स. तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन अदर नंबर क्या बोला, ट्वाइस द अदर. तो अदर नंबर मेरा क्या आ जाएगा, टू एक्स, इसका ट्वाइस बोल रहा है, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला, दोनों का सम 24 बोला, एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 24, ठीक है. देन एक्स प्लस टू एक्स मेरा क्या होगा, थ्री एक्स होगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू 24. अब थ्री एक्स, तो एक्स और थ्री का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वल टू के अपोजिट में जाएगा, तो क्या होगा आपका डिवीजन में, यानी कि आरएचएस साइड में वो शिफ्ट होगा, तो वो डिवीजन साइन में चेंज कर जाएगा. तो एक्स इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया स्टोन, 8. अब देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर मेरा क्या आ गया, 8 आ गया. अब से अदर नंबर क्या हो गया, जो सेकेंड नंबर है मेरा, 8 इंटू 2 है ना, क्योंकि इसका ट्वाइस है, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ अ नंबर, ठीक है, एडेड टू 10 गिव्स 20, फाइंड द नंबर. कोई भी एक नंबर है जिसका हाफ ऑफ, ठीक है, उस नंबर का हाफ में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो वो रिजल्ट क्या देगा, 20 का, ठीक है स्टूडेंट. तो हम लोग क्या मान लिया, लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर हम लोग कुछ भी मान लिया एक्स है, उसका हाफ क्या होगा, कोई भी नंबर का हाफ अगर हमको क्या करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम 2 से डिवाइड किया, एक्स अपॉन 2 हो गया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि हाफ ऑफ नंबर पे, यानी कि x अपॉन 2 एडेड टू 10, हम उसमें 10 ऐड किया, देन रिजल्ट क्या दिया मेरा, वो 20, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, यानी कि 20 और ये प्लस है एलएचएस साइड में, तो वो आरएचएस में शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा तुम्हारा, माइनस 10, ठीक है. दिस इम्प्लाइज x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया. अब x अपॉन 2, अब क्या है, x और 2 का रिलेशन क्या है, डिवीजन में है ना, x डिवाइडेड बाई 2, तो आरएचएस साइड में वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 20. तो हम लोग लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर नंबर इज इक्वल टू 20, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 27, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 27. वन नंबर इज 3, उसमें से एक नंबर क्या है, 3 है, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है. हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो नंबर हम लोगों को चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, हम लोग मान लिया क्या, उसको एक्स. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो 3 और उस नंबर का प्रोडक्ट कितना है मेरा, 27. तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन ये आर एच एस साइड में जा देगा, तो क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, देन एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9, ठीक है. नाउ सुन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, द बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, द एंगल एट वर्टेक्स इज 30 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल्स. दैट मीन्स कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है. अगर हम लोग एक्स एक्स ले लिए तो दोनों एक्स होगा, वाई लेंगे तो दोनों वाई, मतलब जो भी अल्फाबेट लेंगे तो वो सेम होगा, और ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने बोल रहा है. तो लेट द बेस एंगल्स आर एक्स, हम लोग मान लिया, ले द बेस
आर एक्स। देन अब हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, वी नो दैट। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल्स का सम क्या होता है, 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे मेरा क्या एक्स है, फिर एक्स है, देन 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स क्या होगा आपका, 2x हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। देन अब 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 150 डिग्री। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या हो गया मेरा, 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।